वेलकम बैक। तो आपको पता ही है कि विंटर्स आ चुकी हैं, विंटर हॉलीडेज लग गई होंगी ना। विंटर्स के साथ दो चीजें और स्पेशल है, हैप्पी न्यू ईयर एंड मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.2 का स्टार्ट करते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव फाइंड द प्रोडक्ट बाय सूटेबल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हमें ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है बट बहुत ही इजी है। अगर आप इसको वीडियो को ध्यान से देखेंगे और पूरा देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। चलिए, तो जो फर्स्ट वाला है 738 × 103, तो हमारे ये क्या लिखा है, सूटेबल प्रॉपर्टीज। सूटेबल प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है, जैसे आप ये देख रहे हैं 103, तो जो भी हमारे जो सम होती है एंड जो एक्सप्रेशन होता है उसमें जो 103 या ऐसी हंड्रेड के नंबर होते हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है अलग अलग, सेपरेट कर देते हैं। कैसे, हमारे में ये हंड्रेड का नंबर है तो हम हंड्रेड को सेपरेट करेंगे और फिर बचा क्या 3, तो प्लस 3 करेंगे और ब्रैकेट में इसको लिखेंगे। ठीक है, 100 और 3 को हमने सेपरेट कर लिया। उसके बाद 738 एज इट इज उतारेंगे। ओके, सो अब हमें क्या करना है, हमने इसको सेपरेट कर लिया है, तो सेपरेट करने के बाद 738 × 100 + 3 ये बचा है। लेकिन हमें ये नहीं करना है कि पहले ब्रैकेट को हटाना है, ब्रैकेट को नहीं हटाना है, हमें ब्रैकेट के पहले नंबर से इस नंबर को सॉल्व करना है। कैसे करना है, 738 × 100 + 738 × 3। ओके, ये हमारी एक्सप्रेशन है। कैसे, क्योंकि पहले हमें 738 को 100 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, फिर जो आंसर आएगा उसको हमें 738 × 3 के आंसर से प्लस करना है, यानी कि सम कर देना है। ओके, तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, 738 × 100 = कैसे होगा, क्योंकि जब भी 100 वाले होते हैं, मैंने आपको बताया था ना, 738 एज इट इज उतारेंगे और जितने जीरो होंगे लास्ट में उतने जीरो लगाएंगे, 738 00। ओके, फिर हमारे यहाँ ये इतना बड़ा प्लस लगा देंगे हम, और फिर 738 × 3। ओके, सो 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, and 8 × 3 = 24। 4 यहाँ आ जाएगा, 2 कैरी, 3 × 3 = 9, 10 = 11, 11 यहाँ, 3 1 यहाँ 1 कैरी, 3 7 = 21, and this 22। ओके, तो हमारा आंसर ये है और इसका आंसर ये है। तो हमें क्या करना है, इसको सिंपली इसको सॉरी वन प्लेस से हमेशा स्टार्ट करिए। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें ये क्या है, 0 0 2 2 1 4 2 2 1 4 सबके नीचे आना चाहिए। वन ये भी है, वन टेन हंड्रेड एंड थाउजेंड, तो ये आना चाहिए। इसके नीचे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लगाओ, और इसको हमें क्या करना है, प्लस 0 + 4 = 4, 0 + 1 = 1, 8 + 2 = 10, 0 = 1, and this is 5 = 6, and this is 7 as it is। ओके, 7 6 0 1 4, सो आवर आंसर इज 7 6 0 1 4। ओके, सो हमारा आंसर क्या है, 7 6 0 1 4। अगर आप इन इसको एज इट इज करेंगे, एज इट इज अगर आप करना चाहें तो भी आपका आंसर यही निकल आएगा, करके देख लीजिए। तो लेकिन हमें दिया हुआ है सूटेबल प्रॉपर्टीज, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। इन दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज देयर इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑल्सो, एंड दिस क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सो वी यूज हेयर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके,
Now second one is 854 is into 102. इसमें भी यही करना है, 100 वाला नंबर ढूंढिए, ये रहा, तो इसको हमें क्या करना है, सेपरेट करना है 100 प्लस 2, कर लिया सेपरेट, और इसको एज इट इज उतारना है, ओके, फिर ये इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आया उसको प्लस करना है, ठीक है, मतलब 854 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 854 मल्टीप्लाई बाय 2, ओके, तो हमें क्या करना है, 854 मल्टीप्लाई बाय 100 करना है और फिर उसको उससे प्लस कर देना है, चलिए पहले ये वाला करते हैं, लास्ट में कितने जीरोस हैं, 2, तो हमने कितने लगा लिए, 2, यहाँ हमें प्लस का साइन लगा देना है, बहुत बड़ा सा 4 इंटू 2, ये तो बहुत आसान मल्टीप्लीकेशन, जल्दी जल्दी करो और नीचे अपने कमेंट में आंसर दो, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0 कैरी 1, 2 8 जा 16 और ये आ गया 17, 17 0 8 एंड दिस इज 85 400 400, ओके, तो हमें क्या करना है, सिंपली इसको प्लस कर देना है, जल्दी जल्दी फटाफट से वन प्लेस से स्टार्ट करिए, वरना उसके नीचे वो वाला नंबर कभी नहीं आएगा, ठीक है, अब हम इसको इसमें प्लस कर देते हैं, 0 प्लस 8 8, 0 प्लस 0 0, 4 प्लस 4 प्लस 7 11 कैरी 1, 6 प्लस 1 7 एंड दिस इज 8 एज इट इज एंड द आंसर इज आर इज 87108. Got it? Now we are going to discuss third and fourth one. चलिए अभी मैं यहीं पर लिख लेती हूँ. So ये रहा third और fourth वाला. इसमें हमें क्या देखना है? हमने क्या देखा था? वो पहले 100 का नंबर. 100,000, 10,000, लाख, करोड़, जो भी है, जिसमें लास्ट में जीरो आता है 1000, ऐसे वाले नंबर हमें फिर ढूंढने हैं. हमने ढूंढ लिया 1008, ओके, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 1000 में, क्योंकि 1000 है और बचा क्या 8 प्लस 8 ब्रैकेट में लिखेंगे इनटू एज इट इज 258 एज इट इज. हमें क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, दोनों के प्रोडक्ट को उसे प्लस करना है, तो मतलब 258 मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस 258 मल्टीप्लाई बाय 8, ओके, 258, इसको हम पहले सॉल्व करते हैं, क्या आंसर आ जाएगा, 258 कितने जीरोस है, 3, 1 2 3, ये आंसर आ गया, बहुत सिंपल है, ये सॉल्व करते हैं, 258 8 8 to 64, 4 carry 6, 8 5 to 40 and this 46, 4, 6 carry, 4, 6 as it is, 4 carry, 8 to the 16 and this is 20, ओके, तो हमें क्या करना है, इसको प्लस कर देना है, 4, 6, 4 as it is, 6 as it is, 0 as it is, 8 plus 2 is equal to 10, 0 carry 1, this is 6 and this is 2. So our answer is 260064. Okay. 260064. Okay. तो अब हमें इसमें देखना है. इसमें हमारे जो है दोनों ही 100 और 1000 वाले हैं. बताओ अब आप कौन सा करोगे जो आपको सिंपल लगे. मुझे कौन सा सिंपल लग रहा है? 1005 सिंपल लग रहा है. क्योंकि उसमें थोड़ा सा कम है. वैसे आप जो भी चाहे आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमें 168 को 1005 से मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जबकि अगर हम डिस्ट्रीब्यूट इसको करेंगे तो 1005 को हमें 68 से करना पड़ेगा. सो ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम ये वाला पहले चूज करते हैं.
ओके अब हमें क्या करना है 168 को मल्टीप्लाई करना है 1000 से और प्लस करना है फिर 168 को मल्टीप्लाई बाय 5 से ठीक है तो अभी हम पहले इसको प्लस करते हैं 168 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 168000 ओके और इसको करते हैं 168 मल्टीप्लाई बाय 5 5 8 40 0 कैरी 4 5 6 30 34 4 कैरी 3 5 is 5 एंड दिस इज 8 हमें यहां क्या करना है इसको प्लस कर देना है तो आंसर आएगा 168840 ओके सो आवर आंसर इज 168840 होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट प्लीज लाइक माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी आएगी उसको भी बजा देना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना थोड़ी हेल्प कर देना उनकी और अगर और फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग विंटर्स का मजा अच्छे से लेना